हमजा, लेकिन देखिए अब्दुल्ला आजम बार बार ये बात कहते हैं, उनका कहना है कि आप लोग लोगों के बीच नहीं रहते। अच्छा। आप लोग शाही परिवार से हैं जी, आप मतलब आप एक रॉयल जिंदगी आप लोग जीते हैं और वो लोगों के बीच में रहते हैं। उनका कहना है कि उनके वालिद 1980 से विधायक और संघर्ष करके ये रामपुर का जवाब मैं आपको दूं, चुनाव जीता। ऐसा है, हमारे परिवार ने ये पूरा जिला बसाया है, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। अगर मस्जिद भी बनाए मेरे परिवार ने तो मंदिर भी और गुरुद्वारे भी बनवाए हैं या कहीं ना कहीं जगह दी है, पूरा सबको साथ लेके चले। जहाँ ये अपने पिताजी की बात कर रहे हैं, ये ज़रा भूल गए हैं कि जो इनके पिता हैं, इनका कहीं ना कहीं जब शुरू में चुनाव होता था तो हमारे दादा कहते थे कि बड़ा वोट, क्योंकि MP और MLA के चुनाव साथ में होते थे, तो वो कहते थे बड़ा वोट मुझे छोटा दीवाने को, इसके पिता को दीवाना बुलाते थे। और जब किले में इनको कुछ लोग मारने आ गए थे तो मेरे दादा ने इनकी जान बचाई थी। इनकी एजुकेशन मेरे दादा ने करवाई है, आज़म खान की, जिसकी आप बात कर रहे हैं जी। तो और जहाँ तक पब्लिक की बात आप कर रहे हैं, हम पब्लिक के बीच रहें, तभी 5 बार विधायक रहे, मेरी दादी सांसद रही हैं। और अभी क्यों कोई इतनी बड़ी बातें बोल रहा है, अभी 14 फरवरी को चुनाव है, 10 मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आपको लग रहा है कि आपका गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बना पाएगी? 200 नहीं 2000 नहीं 2 लाख% जी। महाराज जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनने जा रही है और ये 35-40 साल का इतिहास आपके सामने, ये इतिहास बनेगा। आपको आपकी दादी ने नहीं रोका कि कांग्रेस में रहिए, कहाँ आप जा रहे हैं? दादी या पॉलिटिक्स में पूरी तरह एक्टिव नहीं है एज फैक्टर की वजह से जी। वो उनकी नीति है मैं उस चीज़ का आदर करता हूँ और उन्हें ये मेरी नीति है, उस चीज़ का आदर वो करती है।